आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जल्द ही जिन लोगों ने इस काम घृणित काम को अंजाम दिया है उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं है। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। उछता है भारत। जी हाँ, उछता है भारत। अजय आलोक जी, सुशील पंडित जी, ललित अंबरदार जी, मेरे साथ पूरी टीम है, अहमद अयाज साहब मेरे साथ पूरी टीम है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अजय आलोक जी फर्स्ट, ओनली मी एंड अजय आलोक जी, प्लीज। अजय आलोक जी, अजय जी, ये क्यों होता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। सिर्फ उम्मीद आपसे सब कुछ की है, कुछ हुआ है लेकिन सब कुछ की उम्मीद है। इसीलिए ये सवाल कि एक भी बार अगर हो जाए, एंड इट्स अ पॉलिटिकल मैसेज, गांधरबल में करना जहां से उमर अब्दुल्ला जीते हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं भारत के दुश्मन कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आज भी वो कर सकते हैं जो हम 370 से पहले करते थे। ये उनका मैसेज है, वो देना चाह रहे हैं और हमें उनको तोड़ना है। अजय जी देखिए, आइए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल है। गंदरबल पे अटैक करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिसरप्ट करना और बाहरी लोगों की हत्या कर देना, तो साफ है कि बाहरी लोग में एक दहशत फैले कि कोई कश्मीर में आके काम ना करे, कि कश्मीर में काम करने आओगे तो तुम अपनी दान की जिम्मेदार खुद हो। एक मैसेज ये था, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे ना बढ़ें ताकि कश्मीर का सर्वांगीण विकास ना हो, यूथ्स में बेरोजगारी बढ़ती रहे और उस फ्रस्ट्रेशन का हम फायदा लें। और पॉलिटिकल मैसेज उमर अब्दुल्ला को ये था, बहुत साफ साफ मैसेज था। जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की और कहा कि हम केंद्र के साथ मिलकर विकास करेंगे, 370 अब वापस नहीं आ सकता, तमाम तरह की उन्होंने बातें कही। तो उमर अब्दुल्ला को यह मैसेज था कि आप वही करिए जो हम कह रहे हैं, नहीं तो आप ये भुगतिए। तो एक बात मैं बता देता हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सेना पूरी ताकत के साथ, हमारे सशस्त्र सेना बल जो कश्मीर में हैं पूरी ताकत के साथ रिटालिएट करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह पिछले 6 साल में हालात सामान्य हुए हैं वैसे ही सामान्य हालात चलेंगे। ये कायरतापूर्वक कार्रवाई जो इन्होंने की है जिसमें हमारे कुछ लोग शहीद हुए हैं, मैं पूरी संवेदना उनके प्रति रखता हूँ, उनके परिवार के प्रति रखता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी इन लोग की कमर तोड़ने में। और ये जो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का ड्रामा करता है और उसके बाद विदेश सचिवों की बैठक में कोजी होने का नौटंकी करती है, ये नौटंकी सबके सामने आ रही है। और हमने तो साफ कह दिया है कि टेररिज्म एंड डायलॉग कैन नॉट गो टुगेदर, तो इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल अजय आलोक जी। सुशील जी, आपने सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है जब जरूरत होती है। अजय आलोक ने कहा वही जो मैं कह रहा था कि ये पॉलिटिकल है, पता है सबको पॉलिटिकल है, लेकिन रोकना भी तो पॉलिटिकल लीडर्स को ही है, पॉलिटिशियंस को ही है, सरकारों को ही है। राज्य सरकार केंद्र पे डाले, केंद्र उस पर, उससे मतलब नहीं। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को शांति चाहिए 365 24/7 365। जैसे मैंने कहा सर, अभी हमारा मन करे हम बस्ता उठा के शिमला जा सकते हैं, लैंडोर जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं। कश्मीर जाने में सर 10 बार सोचना पड़ता है आज भी। दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज। सुशील पंडित जी, दीपक एंड ललित जी, धन्यवाद ऐश्वर्या जी मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जो इस पूरी घटना के पीछे संदेश है वो एक बहुत ही सहज सा, साफ सुथरा सा संदेश है जो फारूक अब्दुल्ला को मिल गया है, और फारूक अब्दुल्ला ने उसका जवाब भी दिया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, सीधी सी बात उन्होंने टका सा जवाब दिया है। और यही इस पूरे जिहाद का मैसेज है। हम गाहे बगाहे कभी इसमें कश्मीर के विकास के अवरोध को देखते हैं,
कभी इसमें वहां पे बाहरी लोगों के आगमन को देखते हैं, कभी उसमें बढ़ती बेरोजगारी को देखते हैं, कभी उसमें अलगाव को देखते हैं, कभी उसमें किसी अभाव को देखते हैं, कभी उसमें किसी भटकाव को देखते हैं। नहीं, ये निरा जिहाद है। इसमें ना नई सरकार, ना नए चुनाव, ना गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ना 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 ना। और फारूक अब्दुल्ला जी को भी ये मैसेज कभी कभी ही देना गवारा होता है कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। आमतौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। देखिए, मैंने फारूक अब्दुल्ला के वो बयान भी मुझे याद हैं, 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर का ही महीना था सन 2000, आज से 24 साल पहले, जब जम्मू कश्मीर असेंबली पर एक फिदाइन हमला हुआ था और 39 लोग मारे गए थे, 39। फारूक अब्दुल्ला ने बिलखते हुए, रोते हुए, चीख चीख कर कहा था कि पाकिस्तान पर भारत हमला कर दे, उस पर बमबारी करे और इस तरह उसका जवाब दिया जाए, युद्ध करे भारत पाकिस्तान से, बहुत हो गया। तो फारूक अब्दुल्ला कब कैसे कैसी प्रतिक्रिया दें कुछ पता नहीं है। इस बार उन्होंने एक अच्छी प्रतिक्रिया दी है क्योंकि बेटे ने अभी हाल ही में शपथ ली है। यही अगर विपक्ष में होते तो क्या कहते, वही जाने या खुदा जाने। नेट नेट मुख्तसर सी बात यह है कि हम जब जब ये खुशफहमी पाल लेते हैं कि पत्थरबाजी बंद हो गई इसलिए जिहाद भाप बन के उड़ गया है, लाखों पर्यटक कश्मीर में आ रहे हैं इसलिए जिहाद का कोई नामोनिशान नहीं बचा है, हमने योगाभ्यास कर लिया सार्वजनिक संगीनों के साय में चप्पे चप्पे को छान मारकर, तो इसलिए कश्मीर की फिजा बदल गई है, इस तरह के भ्रम पालना हम बंद कर दें और ना ही ये भ्रम हम शेष भारत में बेचें, क्योंकि फिर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कश्मीर नौकरी के लिए, सैर सपाटे के लिए, हनीमून के लिए और भी बहुत सी जगहें हैं। हम फिलहाल कुछ साल और लैंडोर में ही चहलकदमी कर लें ऐश्वर्या जी, वो ज्यादा मुनासिब होगा, लेकिन कश्मीर में सबसे पहले जिहाद की कमर तोड़ें, उसका जबड़ा उखाड़ें, उसको पुचकारना बंद करें, उससे बातचीत करने की तजवीजें देना बंद करें। और वहां पर जिस तरह नाकेबंदी होती थी, जिस तरह जामा तलाशी होती थी, जिस तरह शिनाख्त पहचान पूछी जाती थी, जिस तरह घरों को घेर कर वहां पर हथियार बरामद किए जाते थे, जिस तरह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, मुंह तोड़ कार्रवाई की धमकी नहीं सर, बख्शा नहीं जाएगा की चेतावनी नहीं, जमीन पे काम होता था, ये आज हम हर ऐसे हमले के बाद रटे रटाए डायलॉग निकाल लेते हैं जेब से। अब तो थक गए हैं, ऊब गए हैं, सुन सुन के वही शब्द हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं बदला है। ओके, कुछ बदलिए, जमीन पर कुछ बदलिए, इसकी जरूरत है। ललिता